इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक खास जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे मियां बीवी छोटे घर में हम बिस्तरी कैसे करें। तो दोस्तों, एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, मेरा घर छोटा है, सारा परिवार एक साथ रहता है, हम दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाते, एक दूसरे के जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में नाइतफाकियाँ पैदा हो चुकी हैं। छोटी छोटी बातों पर कहाँ सुनी हो जाती है, मेहरबानी करके कुछ हल बताएं ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम बात, हम बिस्तरी के लिए रात का होना ज़रूरी नहीं है, यानी दिन का कोई भी ऐसा वक्त जब घर पर कोई भी ना हो, उस वक्त दोनों को चाहिए अपने जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा करें। यानी आसान भाषा में समझे, जैसे घर छोटा होने के कारण सब घर वाले सोने के लिए घर जरूर आएंगे, तो दिन का कोई भी ऐसा वक्त जिसमें घर वाले ना हो, उस वक्त हम बिस्तरी कर लें, या फिर किसी वक्त घर वाले शादी वगैरह खाना वगैरह में चले जाएं, तब लौटने में देरी हो जाती है, तब आप खाने में न जाकर हम बिस्तरी कर लें, और अगर जाना ज़रूरी हो तो घर जल्दी लौट आएँ। ऐसी सूरत में आपको घर खाली मिलेगा, आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, रात के दूसरे पहर में जब सब गहरी नींद में सो रहे हों, तब आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ऐसा घर खरीदे जिसमें दो तीन कमरे हो, मियां बीवी अलग सेपरेट रह सके, ताकि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। घर वालों को चाहिए शादी के बाद अपने बच्चों के लिए अलग घर रखें, अलग कमरा रखें, क्योंकि हम बिस्तरी का बेहतरीन वक्त रात का होता है, और मियां बीवी को हम बिस्तरी के अलावा भी एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी है मियां बीवी अलग रहें और हम बिस्तरी कर सकें। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक को इसी तरह की वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।